मनुष्यों पर जब संकट आता है तो भगवान बचाते हैं, लेकिन भगवान पर जब संकट आता है तो हनुमान जी आते हैं। भगवान पर भी संकट आ गया, बोले क्या? जानकी जी का हरण हो गया। किसने कर लिया? रावण ने। अब बोले कौन सहायता करेगा? तो हनुमान जी महाराज सहायता किए। हनुमान जी महाराज शंकर जी के अवतार हैं। प्रभु श्री राम के जीवन काल में दो लोग बहुत विशेष हैं, एक लक्ष्मण जी, एक हनुमान जी। लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहे, हनुमान जी राम जी का काज करते रहे। और लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेषावतार। लक्ष्मण जी अगर राम जी के लिए शेष हैं, तो हनुमान जी विशेष हैं। क्यों? जो काम कोई नहीं कर पाया राम जी के जीवन काल में, उन कामों की पूर्ति श्री हनुमान जी महाराज ने की। यहाँ तक कि रामचरितमानस में जब राम रावण का युद्ध छिड़ गया, रावण की सेना बड़ा क्रूरता के साथ अत्याचार करने लगी, और रावण ने अपने बड़ी बड़ी विद्याओं के द्वारा समस्त सेना को घायल कर दिया, जामवंत को घायल कर दिया, यहाँ तक कि विभीषण को भी घायल कर दिया, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम को अचेत लिटा दिया। सब प्रकार से हाहाकार मच गया। तब विभीषण जी अपने आप को संभालते हुए जामवंत जी के पास गए। जामवंत, अब क्या होगा युद्ध का? युद्ध विचित्र स्थिति की तरफ चला गया, अब किसकी विजय होगी? जामवंत आंख बंद करते हुए कराहते हुए बोले, विभीषण हम देख नहीं पा रहे, हमारी आंखें खुल नहीं पा रही, पर हम तुम्हें पहचान गए। एक बात बताओ, और तो सब ठीक है, हनुमान जीवित हैं? विभीषण जी चौंक गए। जामवंत, आपने राम जी के बारे में नहीं पूछा, आपने लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछा, नलनील अंगद दधिमुख के हरि के बारे में नहीं पूछा, आप हनुमान जी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तत्क्षण जामवंत जी दोनों भुजा उठा करके कहते, विभीषण अगर हनुमान जीवित है तस्मन जीवते वीरे, अगर हनुमान जीवित है तो राम को कुछ नहीं हो सकता, और पूरी बानर सेना का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पूरी बानर सेना पुनः जीवित हो सकती, लेकिन केवल हनुमान जीवित रहे। इतना विश्वास वीर बजरंग बली के ऊपर है प्रभु श्री राम के सलाहकार जामवंत का। जामवंत जी मंत्री हैं, सलाहकार हैं, और उनको भरोसा हनुमान जी के ऊपर है। मेरी प्रिय आत्माओं, हम तुमसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारा तुम्हारा भरोसा भी अगर वीर बजरंग बली के ऊपर हो गया, तो हम तुम्हें बिल्कुल विनम्रता पूर्वक दावे के साथ कह सकते हैं, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। दिखाई देने वाले शत्रु से लड़ना बचना सरल है, लेकिन अदृश्य शक्तियों से लड़ना और बचना बड़ा मुश्किल है, जिन्हें कहते भूत प्रेत। लेकिन उनसे भी बचाने वाले अगर कोई इस कलयुग में है, हनुमान जी संकटों से छुड़ाने वाले देवता है। किस किस का संकट छुड़ाया? सुग्रीव जी का छुड़ाया। अरे बानरों का छुड़ाया। बानर जब संकट में पड़ गए, जानकी जी की खबर नहीं मिल पा रही, संपाती ने पता बतला दिया, यहाँ से एक देश है लंका, लंका का राजा है रावण, रावण की बाटका है अशोक बाटका, वहां जानकी जी बैठी हैं। अब किसी ने कहा जाओ, कौन देखने जाए? अंगद जी तुम जाओ, तुम जाओगे जानकी जी का पता लगाओगे, तुम्हारा भी नाम फेमस हो जाएगा। जो जाएगा लंका वही बजाएगा राम नाम का डंका, पर कौन जाएगा लंका? सबके मन में यही ख्याल, कौन बचाएगा हम लोगों के प्राण, संकट में फंस गए। तब जामवंत जी को संकट के समय संकट मोचन की याद आई। हनुमान जी महाराज किनारे पर बैठे आंख बंद किए हुए, श्री राम, जय जय राम, आंख बंद करके हनुमान जी ध्यान कर रहे, सीताराम नाम का जाप कर रहे। जामवंत जी बोले, हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी बोले, आपकी जय हो। कहो जामवंत जी, कैसे हमारी खबर? महाराज, आपके बाप का नाम पवन, आप पवन पुत्र हो, उनके बेटा हो, लंका जाने के लिए संकट आ गया, कोई जा नहीं रहा, खड़े हो जाओ। हनुमान जी बोले, हम नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले, लफड़ा हो गया और महिमा गाई। कई बार जब काम करवाना हो ना, तो प्रशंसा की जाती। हनुमान जी भी यही कह रहे,
जामवंत जी मेहमान आ रहे, कुछ लफड़ा है नाना महाराज। अरे महाराज आप हनुमान जी हो? हनुमान जी बोले तो आपको कोई भी काम कठिन नहीं है, आप लंका जाओ। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। अभी तक हनुमान जी खड़े नहीं भय, बाप का नाम सुनकर के भी खड़े नहीं भय, अपनी महिमा सुनकर के भी खड़ी नहीं है। जब अंत में जामवंत जी ने कहा, जब हनुमान जी महाराज ने सुना आपका अवतार राम काज के लिए हुआ तो धन्य है वीर बजरंग बली। राम काज के लिए हनुमान जी खड़े भय और बानरों के संकटों को हनुमान जी ने हल्का कर दिया। बड़े वेग में खड़े होकर के वीर बजरंग बली की बड़ी बड़ी भुजाएं हो गई, विशाल जंघाएं हो गई, लाल लाल नेत्र हो गए और खड़े होकर के हनुमान जी महाराज जोर से कहने लगे, जामवंत तुम कहो तो मैं रावण को अपनी पूंछ में बांध कर ले आऊं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके ले आऊं। जामवंत जी बोले इनको इतना काम बताएंगे ये डेढ़ गुना करके आएंगे, पक्का है। हनुमान जी महाराज आपको कोई काम नहीं करना, क्या करना? जाकर के जानकी माता को देखना है, देख कर वापस रिटर्न हो जाना है। सुनो और लफड़ा मत करना। हनुमान जी बोले जय हो।